नाज़रीन, मुल्क में सियासी बका की जंग उरूज पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक शिकस्त के बाद दूसरी अटेम्प्ट की तैयारी में है कि एहतजाज, आज जलसे और धरने ही उन्हें हुकूमत से सियासी रिलीफ दिला सकते हैं और क़यादत के जेल से बाहर आने की कोई राह निकल सकती है। जबकि हुकूमत को पता है कि मामलात आगे बढ़ाने हैं तो जब तक मुमकिन है बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को जेल की सलाखों के पीछे रखना है और जितना जल्दी मुमकिन हो आईनी तरमीम की राह में रुकावटों का पहाड़ भी उबूर करना है। कल तक नंबर पूरे करने के दावे करने वाली हुकूमत आज खासी परेशान दिखाई देती है। अक्टूबर के पहले हफ्ते में आईनी तरमीम पास करा लेने के दावे भी हुकूमती हलकों की तरफ से सामने आए, मगर अब बताया जा रहा है कि 18 अक्टूबर को हुकूमत आईनी तरमीम पास करा लेगी, जबकि हुकूमती इत्तेहादी और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि 25 अक्टूबर तक आईनी तरमीम करना ना हमारी मजबूरी है और ना ज़रूरी है। किस कदर अजीब बात है कि चंद ही दिन पहले ये मौसूफ कह रहे थे कि आईनी तरमीम लेकर आएंगे क्योंकि ये हमारे लिए मजबूरी भी है और ज़रूरी भी है। अब एक जानब हुकूमत ये तासुर कायम करती दिखाई देती है कि आईनी तरमीम ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और दूसरी जानब नंबर गेम पूरी करने के लिए दिन रात एक किया हुआ है। मेरे प्रोग्राम में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा था कि आईनी तरमीम पास होने या ना होने से हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तरमीमी पैक इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, नंबर पूरे हैं आप लोगों के? अगर आईनी अमेंडमेंट्स जो हैं वो नहीं होती, 2/3 मेजॉरिटी ने जो है वो अमेंडमेंट्स करनी है, अगर नहीं होती तो इससे कौन सा कोई जो है वो आसमान गिर पड़ा।